सो दोस्तों इधर में मेरे को मैक्रामेन मिला है, सो मैक्रामेन के साथ एक दो फोटो। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रहा हूँ सोनापुर। तो सोनापुर जाने का दो रीजन है, एक तो हम लोग उधर जाएंगे, क्या बोलते हैं वो है, एक ओल्ड म्यूजियम है उधर गाड़ी सब का, मतलब ओल्ड गाड़ी जब पुरना गाड़ी जब गाड़ी सब जो है उसका म्यूजियम है, तो उधर जाएंगे व्लॉग बनाएंगे। और दूसरा रीजन जो है मैं अपना 125 ड्यूक 125 का टॉप स्पीड उठाऊंगा और शायद ब्रेक रेस भी कराऊंगा VT 250 और NS का, तो देखते क्या होता है। तो अभी मैं गुवाहाटी रोड में हूँ, तो अभी पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल बनाना पड़ेगा, तो पहले पेट्रोल पंप में जाएंगे, उसके बाद आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे साथ निकला हम लोग का, मतलब चार बाइक है अभी मिला के, तो ये जो तीनों आगे है और मेरा मिला के चार। तो अभी फिलहाल पेट्रोल पंप में चलते और पेट्रोल भराते। तो गाइस टाइम हो गया लगभग 7 बज गए अभी और मैं पहुंच गया हूँ 6 माइल। तो आज का वेदर भी मस्त लग रहा है, शायद तो शाम तो नहीं निकलेगा। कुछ दिन पहले गुवाहाटी में बहुत गर्मी था, 40 डिग्री तक चढ़ गया था इधर, आज तक गुवाहाटी में 40 डिग्री शायद आज तक नहीं गया है। आप लोग समझ सकता है क्या इधर पे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंस डे का साथ है। तो मॉर्निंग सब लोग जॉगिंग के लिए निकला है इधर। चले चले है क्या कुछ? तो हम लोग आ चुका है हाईवे नंबर 37। तो खाना पारा पहुंच गया, बाकी लोग सबसे आगे है, यूजुअली मैं हमेशा पीछे रहता हूँ। सो गाइस सोनापुर पहुंच चुके हैं और थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर लिया इधर, चाय और कुछ पराठा वराठा खा लिया है। अभी हम लोगों को जाना है बाइक, क्या बोलते उसको, क्या नाम था आईपे यार, कार म्यूजियम जाना है। सो इधर से पराठा वराठा खा लिया हम लोग, तो अभी निकलते कार म्यूजियम के लिए। सो गाइस निकल रहा है कार म्यूजियम के लिए, सो हाईवे से अंदर घुस गया हम लोग। तो आप लोग गुवाहाटी से आने से राइट साइड पड़ेगा आप लोगों को, तो गाइस गेट बंद है, सो थोड़ा पूछ के आते हैं कब तक खुलेगा। गाइस पीछे का देखिए ट्री सब कितना अच्छा लग रहा है। 2-3 गाइस इधर हाईवे में मैं हम लोग थोड़ा सा ड्रैग रेस किया था, सो उसका अलग करके वीडियो में अलग करके अपलोड करूंगा, V3 NS और 250 का। और मैं अपने ड्यूक 125 का टॉप स्पीड उठाने के लिए ट्राई किया हूँ, सो वो भी अपलोड कर दूंगा मैं। मतलब टॉप स्पीड उठा नहीं पाया पूरा, लेकिन कितना तक उठा सकता था उठा दिया, मतलब रास्ता पूरा खाली नहीं था। सो ये अलग करके अपलोड करूंगा, आप लोग देख लीजिए। सो गाइस ये जो हेलमेट से ये गेट को जो सजाया है सब World War II का हेलमेट है। सो इधर में मतलब कितना भी चीज़ सब है वो सब मतलब एंटिक चीज़ है, सबको मतलब री मतलब यूज़ किया है सजाने के लिए।
अंदर जा रहा हूँ बाइक देखने के लिए. सो इधर का एंट्री फी है 100 रुपीज पर पर्सन. वाओ, गाइस बहुत गर्मी लग रहा है इधर. सभी मैं ये ट्री हाउस का ऊपर में हूँ. सो आप लोगों को थोड़ा बहुत नज़ारा दिखाया मैं जितना दिखा सकता हूँ. सो ये पहले मतलब हाईवे का उस साइड था जहाँ पे मतलब जंगल रिजॉर्ट सब था, ब्रह्मपुत्र जंगल रिजॉर्ट सब था. सो वो एरिया भी नामचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आ जाते हैं, इसलिए ये म्यूजियम को इधर शिफ्ट करना पड़ा. सो मैं पहले भी उधर गया था, उस टाइम मतलब उस जगह थोड़ा सा बड़ा एरिया था, लेकिन ये वाला इतना बड़ा नहीं है. सो जैसे तैसे करके मतलब इधर एडजस्ट किया है. सो सन ज़्यादा, हालांकि ज़्यादा मतलब अच्छे से निकला नहीं, फिर भी बहुत हीट दे रहा है. तो अभी मैं नीचे जाता हूँ. सो दोस्तों इधर में मेरे को मकरमैन मिला है. सो मकरमैन के साथ एक दो फोटो लेता हूँ मैं. दोस्तों मेरे पीछे जो ये मशीन टाइप का जो दिखाई दे रहा है वो मतलब पहले का वो है, पेट्रोल पंप का मशीन है. ये देख लीजिए पहले का पेट्रोल पंप का मशीन कैसा था. मतलब इस म्यूज़ियम में ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ कार ही है, एंटीक एंटीक कार सब ही है. मतलब इस म्यूज़ियम में आप लोगों को सब मिलेगा, जैसे कि पहले ज़माने का वॉच, पहले ज़माने का म्यूज़िक प्लेयर, रेडियोज़, उसके बाद जैसे कि आप देखा है पेट्रोल पंप का मशीन सब. सो बहुत सारा चीज़ है इधर, मतलब पहले ज़माने का जो आजकल नहीं मिलता है. सो अच्छा है इस सबको मतलब प्रिजर्व करके रखा है आने वाला जनरेशन को दिखाने के लिए. सो आप लोग भी आइए, इधर आ सकते हैं. मतलब गुवाहाटी से ज़्यादा दूर नहीं है, शायद से 15-20 किलोमीटर मन होगा गुवाहाटी से. सो आइए थोड़ा एक्सपीरियंस करिए इधर पहले ज़माने का चीज़ सब कैसा है. इधर पे मतलब पहले ज़माने का टोयोटा का जीप दिखाया देखने को मिला है, मर्सिडीज़ दिखाया देखने को मिला है पहले का, और एम्बेसिडर सब है, और मिस्टर विन कार भी है जो मैं आप लोग को पहले दिखाया हूँ. सो आइए थोड़ा दिखिए कैसा है ये सब जगह. अगर मैंने जी जी जगह भी था मैंने वस्तु की तरह सब आसे सब मैंने सबे आई तारे किसान बस्तु खजा बाकी आज बाकी सब हो गई न बाकी सब मोटामोटी हो गई ধর আর এইখানে আর ঝুলন ছুলন কিনা কিনি আসলে আমার এই ঝুলনাব রেডি হয়ে আছে, খালি শুটিং করা বাকি আর. মানে জগা তো হুরু হওয়া নাই নাকি? আগরটা তো হুরু, বহুত হুরু, তাতে অ্যাডজাস্ট করবে লাগব আর. আমার ওনারও পয়সা আমার কাছে প্রাইভেট ন, একটু প্রাইভেট গভর্নমেন্ট একটু মদত না করে আজ গেলে গভর্নমেন্টে যা দিয়ে জানো বানপানীত বুড়ি মরি আছে মানুষ, তাতে 1 টাকা দিয়ে নাই. আমার তো দাদাই অকলা যে পারিছে করি আছে না নয় सो गाइज इस वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए. और ये सब गरीब गरीब लोगों को देखिए अंदर भी घुसा नहीं है भाई. सो मेरे को अकेला घुसना पड़ा.
सो जैसे कि आप सबको पता है इधर का एंट्री फी 10 रुपीज़ है और सॉरी 100 रुपीज़। सो आइए एक्सप्लोर कीजिए। सो तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।